तो आज महापंचायत का आयोजन इसलिए किया गया था कि जेल से उनको रिहा किया जाए, और रिहा नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा, थाने भरो आंदोलन। काले चेयरमैन मंच में बोलते दिखाई दिए, और बोलते भी क्या दिखाई दिए, उन्होंने आश्वासन दिया कि अक्षय नरवाड़ कथुरा से, एक मदीना से, तीन लड़कियां अलग अलग जो अंदर जेल के अंदर हैं, इनको दो चार रोज में निकलवा देंगे जेल से। और मंच में इन्होंने घोषणा की है, अगर वो बाहर नहीं आते हैं तो बीजेपी पार्टी को छोड़ के किसानों के साथ होंगे और बीजेपी पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे। बीजेपी के खिलाफ आंदोलन था वो कथुरा के अंदर खेल ग्राउंड में, उसमें आप क्यों पूछे, वजह क्या थी, कहां से आश्वासन मिला? हमारे को पता लग लिया कि वो बच्चे जो 300 धारा दर्ज जो गलत लग रही है उन पर, वो बिल्कुल झूठी लग रही है और नाजायज है। इन बच्चों का जो है ना, जो कि कहीं वीडियोग्राफी में नहीं आ रहे होंगे, को पक्का प्रूफ नहीं होगा, तो उनके परिवार वालों का एफिडेविट हमने मांग लिया है। पिताजी जो है उनका भाई दो, उस एफिडेविट के आधार पर दोबारा तफ्तीश होगी। तफ्तीश के अंदर जो 307 जो धारा लगी है वो उनकी कैंसिल हो जाएगी, उन बच्चों की जमानत करवा देंगे। और इसी दम पर, इसी बल पर मैं कह आया हूँ, ये गलत बात नहीं कह रहा, मैं सच्चाई बात कह रहा हूँ, लड़के बिल्कुल 307 के हकदार नहीं है, और इन बच्चों का समाधान हम निकलवाएंगे, किसी भी तरीके से निकलवाएं, जल्द से जल्द निकलवाएंगे। तो पक्का भरोसा है आप ये दो चार रोज में बाहर निकल जाएंगे, आपने आश्वासन दिया? वो आश्वासन दिया मेरे को, मैं झूठी नहीं कहता, मेरे को आश्वासन मिला तभी तो मैंने कही है। ये आंदोलन का रूप दे दिया विपक्ष वालों ने, विपक्ष वाले थोड़ी चाहते हैं बच्चा बाहर निकले, और हमारी कोशिश रहेगी चार सीधे पहले ये काम करवाएंगे। थोड़ी मोटी गलती से चला तो जो गलती उससे हो रही है वो धारा लग जाए, 307 जो ना जाए यही हट जाएगी, मेरे पर भरोसा है, और होगा ये काम, होगा क्यों नहीं, और ना होगा तो काले चेयरमैन किसानों के साथ होगा, तो हम भाईचारे के साथ है, बीजेपी के किसानों के साथ, बीजेपी के खिलाफ। मोना लंबा उनको किसान थोड़ी है यार, वो जो धरने पर जो अपनी तालियां बजवाने आ रहे थे, वो नेता बनने आ रहे थे, जितने आ रहे थे वहां पर, उनको कौन किसान कह देगा, वो विपक्ष था तारा। पंचायत में कोई तालियां बजती है क्या? नहीं, पंचायत में कोई ताऊ नहीं, पूछने वाला हो पंचायत, जिस टाइम हो पंचायत में कहीं भी कोई भी अपना सुझाव रखे, वहाँ तालियां बजती हैं, तालियां नहीं बजती पंचायत में कभी, और वो वहाँ पंचायत टेक रहे उसमें भी तालियां बजे। वो तो नेता बनने आ रहे थे, आज भाषण देकर चले जाएंगे, उन परिवार की तरफ रहूंगे, किसी तरफ लखा ले दो, कल कहाँ दे, देख लियो कल कोई मिल जाए तो। किसान तो हम है यार, किसान तो खेत में काम कर रहे हैं, किसान को फुर्सत कहाँ है धरने पर आंदोलन बजाने की, बताओ कौन सी फुर्सत है किसान को? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे, मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद हैं आज रोहतक जिला और कलोई विधानसभा क्षेत्र में। आज हम किसान महापंचायत कथुरा में मौजूद थे वहाँ पे, और किसान काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद थे। मुद्दा किसान महापंचायत का कथुरा, बरोदा विधानसभा क्षेत्र में खेल ग्राउंड कथुरा का, वहाँ पे सैकड़ों किसानों से बातचीत हुई, सैकड़ों किसानों से मिलवाया हमने। मुद्दा था तीन लड़कों का जो जेल के अंदर हैं, किसानों से बातचीत सभी का, वो निर्दोष हैं, कोई कसूर नहीं था, कोई तोड़फोड़ नहीं की उन्होंने, और वो सरकार प्रशासन ने मिली भगत करके और जेल में पहुंचा दिए। तो आज महापंचायत का आयोजन इसलिए किया गया था कि जेल से उनको रिहा किया जाए, और रिहा नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा, जेल थाने भरो आंदोलन किसानों ने ऐलान भी किया है। लेकिन इसी बीच एक खास बात ये देखने को मिली वहाँ पे, काले चेयरमैन हमारे साथ चिड़ी से मौजूद हैं, चिड़ी चांदी, और ये कलोई विधानसभा क्षेत्र में आता है। काले वो शख्स हैं जो चुनाव हार गए थे सरपंच का, लेकिन फिर भी चांदी का मुकुट, 1 करोड़ कुछ रुपए नकद, स्कॉर्पियो गांव के लोगों ने भेंट की थी, पूरे हरियाणा पूरे भारत में एक तहलका सा मच गया था। काले भाई पहले कांग्रेस में थे, उनकी पूरी हम बता देते हैं, फिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की,
और कई बार हमने बातचीत करवाई, उनकी नीतियों से खुश होकर बीजेपी ने ताबातोड़ काम किए, नहर के काम किए, जो ये काम लेके गए गांव वालों के, नौकरी का लेके जाए छोटा काम, वो सारे इनके आशाओं पे खरी उतरी। इस वजह से इन्होंने कांग्रेस को अलविदा किया कहा और बीजेपी ज्वाइन की। आज विशेष मुद्दा ये, देखो काले चेयरमैन मंच पे बोलते दिखाई दिए, और बोलते भी क्या दिखाई दिए, उन्होंने आश्वासन दिया कि अक्षय नरवाल कथूरा से, एक मदीना से, तीन लड़के अलग अलग जो अंदर जेल के अंदर हैं, इनको दो चार रोज में निकलवा देंगे जेल से, और मंच पे इन्होंने घोषणा की है अगर वो बाहर नहीं आते हैं तो बीजेपी पार्टी को छोड़ के किसानों के साथ होंगे और बीजेपी पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे, और बीजेपी की पार्टी के खिलाफ हम किसानों के साथ प्रदर्शन करेंगे अगर तीन लड़के बाहर नहीं आते हैं तो। काले चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। सबसे पहले मुन्ना जी आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। काले भाई, सबसे पहले मैं एक बात जानना चाहूँगा, आज बीजेपी के खिलाफ आंदोलन था वो कथूरा के अंदर खेल ग्राउंड में, उसमें आप क्यों पूछे, वजह क्या थी, कहाँ से आश्वासन मिला, इतनी बड़ी आपने घोषणा की कि दो चार रोज में हम बाहर आ जाएंगे बच्चे, मैं आश्वासन देता हूँ आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से बातचीत होगी या फिर किसी से, कहीं ना कहीं इतना बड़ा आश्वासन दिया है तो कहीं ना कुछ तो बात है, और ऊंच मंच पे गए आप एक बीजेपी के कैंडिडेट होते हुए, नहीं तो किसान आंदोलन बीजेपी वाले जाने से डरते हैं, बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी नहीं जा सकता, मंत्री नहीं जा सकता, कृषि मंत्री नहीं जा सकता, छोटे कार्यकर्ता जाने से डरता है आंदोलन में, और आप वहाँ खुले पहुँच गए, आपके बिल्कुल सटा हुआ है, क्यों? देखो मुन्ना जी, सबसे पहली बात तो ये है, हमारे को पता लग लिया कि वो बच्चे जो 300 धारा जो गलत लग रही है उन पर, वो बिल्कुल झूठी लग रही है और वो नाजायज है, और उसकी हमारी कल 11 बजे थी रात को मीटिंग भी होती रही, बातचीत चली, उनका हल निकलने का कुछ तरीका निकला है, और हमारे ऊपर नेताओं से बात भी हुई है। इन बच्चों का जो है ना, जो कि वीडियोग्राफी में नहीं आ रहे होंगे, को पक्का प्रूफ नहीं होगा, तो उनके परिवार वालों का वह पीडियोट हमने मांग लिया है, पिताजी दो या उनका भाई दो, उसे पीडियोट के आधार पर दोबारा तफ्तीश होगी, तफ्तीश के अंदर जो 307 जो धारा लगी है वो उनकी कैंसिल हो जाएगी, उन बच्चों की जमानत करवा देंगे। ये ऐसी बात नहीं है, कोई जाने न जाने में हो भी जाता है ये गलत काम, बीजेपी वाले ने सारे ना पता हो भाई ये गलत काम कैसे हुआ, पता चल जाएगा उसकी पूरी पूरी हमने पेटा भर दिया अपनी तरफ से छाती ठोक कर, उन्होंने भी कह दिया भाई बेशक उठ लो, गलत काम है तो गलत है, गलत को सही करने का काम हमारा है, हमारी सरकार है, और इसी दम पर इसी बल पर मैं कह के आया हूँ, ये गलत बात नहीं कह रहा, मैं सच्चाई बात कह रहा हूँ, लड़के बिल्कुल 307 के हकदार नहीं है, और इन बच्चों का समाधान हम निकलवाएंगे, किसी भी तरीके से निकलवाएं, जल्द से जल्द निकलवाएंगे। काले भाई, आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता लगने के बाद सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, अगली सरकार देखेगी कौन आएगी क्या होगा, अधिकारी भी कहीं के बैकफुट पे चले जाते हैं, विकास कार्य रुक जाते हैं, जो होने हैं वो सब एक थोड़े दिन के लिए, एक महीने के लिए ठंडे बस्ते में चले जाते, चुनाव नहीं होगी जब तक, तो आचार संहिता से पहले हो जाएगा इनका काम, बच्चों का जो अक्षय नरवार जो एक मदीना से दो तीन लड़के? नहीं मुन्ना लम्बा जी, 3 तारीख को कथूरा गाँव के अंदर, कथूरा गाँव का लड़का, कथूरा गाँव के अंदर सारी सरकार आ रही है, सरकार के सामने देखो सारी सरकार, उनके निर्दोष हमने पेटा भर दिया, उनके तसल्ली हो गया लड़के निर्दोष से, 307 नहीं बढ़ती, वही घोषणा करेंगे, आचार संहिता क्या लग रही है, उनको कह देंगे, बोल देंगे अधिकारियों को भाई निर्दोष से इनकी छानबीन करके निकालो जल्दी, आचार संहिता पहले निकाल दिया के अलग निकाल देंगे आचार संहिता। तो पक्का भरोसा है आप ये 2-4 रोज में बाहर निकल जाएंगे, आपने आश्वासन दिया? वो आश्वासन दिया मेरे को, मैं झूठी नहीं कहता, मेरे को आश्वासन मिला तभी तो मैंने कही है, और आश्वासन मैं समझता हूँ, मेरे को आश्वासन कोई झूठा नहीं दे, हमने इतने बड़े नेता नहीं हैं, हम गांव में भाईचारे के ज़्यादा इच्छुक सा, और भाईचारा बढ़िया बनाया है, और भाईचारा हम भाईचारे के साथ रहेंगे, और इन जो हमारे जो बच्चे हैं परिवार को गांव को और लोगों को ये आंदोलन का रूप दे दिया विपक्ष वालों ने, विपक्ष वाले थोड़ी चाहते हैं बच्चा बाहर निकले, अगर बच्चे बाहर निकल गए उनका मुद्दा ख़त्म हो जाए विपक्ष वालों का, तो हमें वो मुद्दा बनने क्यों देंगे, निर्दोष है तो निर्दोष है, उनको निकलवाऊंगी। 3 तारीख को
आप भी अब वहाँ मौजूद हो गए, गाँव के भी हो गए, उनकी कमेटी बुलाई जाएगी, फिर उनको भी बोल दिया भाई तुम भी जो कटवाने का तरीका ना उस तरीके से चलो, ये नहीं धरने प्रदर्शन से नहीं लेकरेगा, हम सच्चाई बताने लग रही नेता हाईकमान से हम पेटा भरेंगे भाई निर्दोष है, और आप अपनी कमेटी बनाओ और 3 तारीख को उनके सम्मुख रखेंगे, उनकी मीटिंग भी करवावेंगे और वास से भरे स्टेज पर वो भी तो कहेंगे निर्दोष है तो निर्दोष है निकलवावेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी 4 सीटों से पहले एक काम करवावेंगे। जी जी, एक बात और सुनने को मिली है कि सरकार प्रशासन कहता है जेल का आप बॉन्ड भर के आइए 10 लाख का, आपके बच्चे को हम जमानत दे देंगे, बाहर निकल जाएगा, लेकिन किसान आंदोलन में जब मिल गया कहीं तो 10 लाख रुपए जब्त हो जाएंगे, इस तरीके से कोई बात ही मैंने वहाँ पे सुनी थी, कोई नॉर्मल किसान वहाँ बैठे हो कुछ ऐसे बातचीत कर रहे थे वो बैठे बैठे, तो ऐसे थोड़ी होता है कभी? ना ना ना, जो तो कोर्ट की प्रक्रिया चलेगी, कानून प्रक्रिया चलेगी, कानून कानून अपनी जगह कानून काम करेगा, जो कानून प्रक्रिया होंगे हम पूरी कानून प्रक्रिया करेंगे, उनकी कानून के हिसाब से काम होगा। तो हमारे साथ काले चेयरमैन बने हुए चिड़ी से खास बातचीत में। काले भाई मैं एक बात जानना चाहूँगा, अगर बाई दबे 1% में मान लेता हूँ, 1% में नहीं मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ मैं, अगर आपने स्टेज पे घोषणा कर दी बाहर हो जाएंगे बच्चे, अगर बाई दबे ना हुए 1%, तो आपने ये भी कहा हम आपके साथ बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन, बीजेपी मैं अपने भाई सारे के साथ मैं खड़ा हूँ, वो मेरा भाई है, वो लड़का हमारा भतीजा खुद का, वो परिवार भी सादा बड़ा परिवार है, खेती करने वाला परिवार, इतना कोई उस परिवार में ज़्यादा वो नहीं है भाई, पढ़े लिखे ज़्यादा परिवार नहीं है, वो लड़का पढ़े लिखे था थोड़ा, थोड़ी मोटी गलती से चला तो जो गलती उससे हो रही है वह धारा लग जाए, 307 जो नाजायज है ये हट जाएगी, मेरा पूरा भरोसा है, और होगा ये काम, होगा क्यों नहीं, और ना होगा तो काले चेयरमैन किसानों के साथ, ना होगा तो हम भाईचारे के साथ हैं बीजेपी के, किसानों के साथ बीजेपी के खिलाफ। मोना लामा उनको किसान थोड़ी है यार, वो जो धरने पर अपनी तालियां बजवाने आ रहे थे, वो नेता बनने आ रहे थे, जितने आ रहे थे वहां पे, उनको कौन किसान कह देगा, वो विपक्ष था तारा, विपक्ष के सारे भाषण दे रहे थे, तालियां बज रही थी, पंचायत में कोई तालियां बजती है क्या? नहीं, पंचायत में कोई ताल पूछने वाला हो, पंचायत जिस टाइम हो, पंचायत में कहीं भी कोई भी अपना सुझाव रखे वहाँ तालियां बजती है, तालियां नहीं बजती पंचायत में कभी, और वो वहाँ पंचायत टेक रहे उसमें भी तालियां बजे, वो तो नेता बनने आ रहे थे, आज भाषण देकर चले जाएंगे, उन परिवार की तरफ रहूंगे किसी तरफ लखा ले दो, कल कहाँ दे देख लियो, कल को मिल जाए तो, और हम तो सदा उस परिवार के साथ नहीं भाईचारे के साथ रहेंगे। काले चेयरमैन जी एक बात और जानना चाहूँगा, आपको लगता है अक्सर निर्मल युवा साथी है, 2 बच्चे हैं वो भी युवा हैं, तो इसमें कई अपने राजनीति रोटी सेकने का चक्कर में घूम रहे हैं कई लोग, भाई इसको मुद्दा बना के हम अपनी राजनीति रोटी सेकते रहे, क्या लगता है? ये तो सरेआम दिख रहा था आपको, नहीं दिख रहा था आप वहाँ नहीं थे, अपनी भाषणबाजी कर रहे थे, तालियां बजवा रहे थे, सरेआम और विपक्ष के थे सारे, वो अपने जो आम आदमी पार्टी का था, क्या नाम था उसका, अनुराग ढांडा भी वहाँ पहुँचा था, भालू था कांग्रेस से, अपने डॉक्टर कपूर नरवाल था, और भी जितने थे सारे अपने कांग्रेस के नेता थे, वो उसके आम आदमी पार्टी के नेता थे, इनका गठबंधन तो है, इन्हें तो मुद्दा चाहिए, थोड़े बहुत बच्चों को बाहर निकलने में खुश होंगे। अरे भाई मैं जानना चाहूँगा, आज ये महापंचायत ना होती सीधा आपके पास आके ये बात, तो ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सकता था, इतना बड़ा हाउ लड़ना करना पड़ता? मैं झूठा आदमी तो सुनी, आज तक मैंने तो 1 हफ्ता पहले भी बुलाया था लड़के का पिताजी, मेरा बहुत बढ़िया मित्र है, बहुत बढ़िया दोस्त है, दिन रात मेरे साथ उठने बैठने वाला है, और हमारा छोटा भाई लीला चेयरमैन कथूरा गाँव से, उसे कही मैंने, मेरे थी उसका नंबर भी दिया, और लीला ने उसकी कही भी चलो भाई चेयरमैन साहब बुला रहे हैं बातचीत तो कर ले, होगा भाई है अजमेर हमारा भतीजा, वो भी निवला काका जी ना ज़्यादा हम किसी चक्कर में नहीं बढ़ाएं, उसने मेरे थी आश्वासन दिया, फिर वो हमारा भाई किसे बुकाम आ गया, ये राजनीति पार्टियों का काम है इसे कान भर देते हैं, विपक्ष वाले तो काम ये है, वो हमारे मेरे पास आया नहीं, और आज हम अपना बालक समझ गए, खुद अपना बालक समझ गए, ये काम हमने अपने नेताओं का पेटा भराया, तसली दवाई बच्चा 307 के आकर नहीं बढ़ता, इस पर 307 जो है ये नाजायज है। अगर उनसे बिगर पूछे बातचीत की उनके घर वाले किसी से बात नहीं, किसी से घर वाले से नहीं पूछा मैंने, मेरे को हाँ पूछ लो उनके घर वाले जा पूछ लो, जब उनसे पूछ के बातचीत करी हो तुम्हें, और रात को 11 बजे भी बात मनीष ग्रोवर से मीटिंग हुई थी, उनने भी कुछ बात करी है ऊपर हाईकमान में, दलाल साहब कैसे मनते दलाल साहब से तो सुबह सुबह मेरी बात हुई थी फोन पे, निर्दोष है तो निर्दोष है, निर्दोष है तो उसको निकलवाएंगे,
307 जो धारा गलत लग रही थी उसको हटवावांगे। तो हमारे साथ काले चेयरमैन बने हुए हैं चिड़ी से, और बीजेपी पार्टी में दो बड़े बड़े प्रोग्राम भी हो चुके हैं इनके यहाँ फार्म हाउस के ऊपर, और अच्छी खासी संख्या भी इकट्ठी की थी इन्होंने। आज ये खुद पहुँचे हैं किसान आंदोलन में, खुद ही ने बात की है वो चंडीगढ़ आला कमान तक भी शासन प्रशासन से, कहते हैं कानून प्रक्रिया के तहत उनको जल्दी बाहर करवाएंगे एक्शन अवार्ड दोनों लड़कों को। और ये भी कहते हैं कि कई लोग राजनीति रोटियां सेंकने के चक्कर में हैं और बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा अगर समय रहते वो जेल से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये भी कहते हैं किसी का कुछ नहीं जाएगा, जाएंगे तो तीन घरों के लाल जेल में पड़े हैं। और इन्होंने ये भी कहा थोड़ी देर पहले जाट आंदोलन में भी कई बच्चे अब आज भी जेलों में पड़े हैं। तो कहते हैं कि दुख था, उनके पिताजी मेरे दोस्त थे, हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता कि वो जेलों में पड़े रहें, जिंदगी बर्बाद हो, कहने के घर वाले दुखी रहें पूरी ज़िंदगी भर। काले भाई एक बात जानना चाहूँगा, डर नहीं लगा आपको स्टेज पर जाते समय थोड़ा बहुत? बीजेपी वाले थोड़ा सा ये डरते हैं, क्यों डरते हैं? डर किस बात का लगा? वो किसान आंदोलन, अरे किसान आपके खिलाफ किसान तो हम है यार, किसान तो खेत में काम कर रहे हैं, किसान को फुर्सत कहाँ है धरने पर आंदोलन बजाने की? बताओ कौन सी फुर्सत है किसान को? वो किसान थोड़ी है। जो पंजाब में हो रहा है बॉर्डर पे खलोरी पे आप गए हो? मैं तो पंजाब में भी गया, चौथा दिन खलोरी बॉर्डर बिल्कुल साफ था, वहां मैंने आपको बताया बिल्कुल साफ था, कहीं भी नहीं। ये हरियाणा में सारा विपक्ष है, कोई किसान नहीं है। तो विपक्ष तो सीधा सीधा कांग्रेस है। और कौन हो सकता है? कांग्रेस ही है। मैं मेरा भाई है बड़ा जय वीरू अपना कुंडू खाप का प्रधान धरना है टटोली, उसको कह रहा था हलवा बनाना बंद कर दे, तीन आदमी ब्याह ले थोड़े ने, वो बोला ये तो हमारे को भी दिखती है कोई भी नहीं आएगा, क्यों हमारा ब्याह है बना है क्या मतबल है, अपना को अच्छे ढंग की मांग मांगो, अच्छे काम करवाओ। पहले अपने बुजुर्गों पर ट्रैक्टर जोड़ लिया कर दे लोन वोन पर, साधन नहीं जुड़िया कर दे, आज नहीं बताओ कि ट्रैक्टर की मशीन गरीब है कौन सी पे सब्सिडी नहीं मिल रही, छोटे से छोटे औजार थे बड़े से बड़े औजार थे सब हर एक चीज पर सब्सिडी है, सब्जी लगाओ उस पर सब्सिडी है, बागवानी लगाओ उस पर सब्सिडी है, फिशरी का काम करो उस पर सब्सिडी है, किस चीज पर सब्सिडी नहीं मिल रही करो अपने, थोड़ी जमीन रह रही है फूल की खेती करो उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा है। एक बात मैं फिर बताना चाहूंगा, बीजेपी में जाके गलती तो नहीं कर दी आप? बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी के मेरी बात सुनो लुम्मा जी, बीजेपी में एक दिन में नहीं गया, पौने दो साल घोड़ मिल के बीजेपी के अंदर मैंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने एक ही बात देखी है पूरा समझ गए तोल गए खुली किताब देखिए, वहाँ ना तो को पुराना ना को नया है, जिसके बढ़िया विचार हो जो बढ़िया लोगों समझा उसको सबको बराबर सम्मान मिलता है, और किसी नौकरी में किसी काम में कोई भेदभाव नहीं है, ये बात देखी मैंने बीजेपी के अंदर। और बताओ बीजेपी के क्या देखा? तो काले भाई चलते चलते फिर एक बार बता दीजिए कि बच्चों को बाहर निकलवाएंगे जल्दी पूरी दमखम से, हौसला डाउन वालों को कुछ लोगों को कहना चाहेंगे इस तरीके के चक्कर में हम ना पड़े, इसी तरीके अपने बच्चों को बाहर नहीं, घर वाले से तो मेरी फोन पर बात हो भाई इसने खत्म करो धरना ने खत्म कर अपने हमने जो कहा उस बात पर गौर करो ना, और वो परिवार हमारा लाडगा परिवार सुखा परिवार है, उनको कहेंगे भाई राजनीति पार्टियों भका में ना आए, वो शायद विपक्ष ज़्यादा गुमराह कर रहा है उसकी भका में ना, और अपने बड़का भविष्य बनावा अपने बड़का बाहर निकलवाव जो सच्चाई है उस पर आने दे बात ने, और ये धरने प्रदर्शन ऐसे चलते रहे ऐसे कोई भाषण बाजे नेता बने और को हमारे नौजवान बालक से नए बालक से और बालक गलत काम कर बैठेगा और मुकदमे दर्ज हो जाएंगे उनकी और जिंदगी साथ में खराब होगी। तो काले भाई बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ काले चेयरमैन बने ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि धरना प्रदर्शन में महापंचायत में किसानों के में जाके स्टेज के माध्यम से जनता को किसानों को संबोधन किया माइक लेके हाथ में, तो ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारा, ऐसे ही नहीं चले गए, पूरा आश्वासन मिला है और उनको बहुत जल्द ही उन बच्चों को जेल से बाहर होंगे वो, लेकिन
कुछ लोग इन्होंने ये भी कहा है राजनीति रोटियां सेकने के चक्कर में घूम रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि उनसे बच के रहें और बच्चों को जेल से बाहर आने दीजिए, क्योंकि वो युवा हैं, उनका भविष्य है। ऐसा ना हो कि सरकार से कहीं पूरी ज़िंदगी उनको जेल में रहना पड़े, तो इससे अच्छा है कि वो दो चार रोज में बाहर आ जाएं। और कहा कि हम बीजेपी के ज़रूर हैं, लेकिन आश्वासन दिया है अगर बहुत जल्दी बाहर नहीं होते हैं वो, तो हम भी भाईचारा के साथ बैठ जाएंगे कथित खिलाफ जाके। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।